दरभंगा की गोमती नंबर 24 पर एक महिला का मिला शव। जी हाँ, महिला की मृत्यु रेल से कटने की वजह से हुई है। जी हाँ, दरभंगा जिला के अरलपट्टी गोमती नंबर 24 के पास करीब 10:40 बजे दरभंगा से समस्तीपुर की ओर जा रही एक ट्रेन जिससे एक महिला कटकर उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला का उम्र लगभग 45 वर्ष है। वहीं मौके पर बेटा थाना की टीम पहुंचकर अव्यवस्था बहुत ज़्यादा रहता है और भीड़ रहता है। यहाँ का प्रशासन तो इस बात का ध्यान नहीं देता है, न शासन ध्यान देता है न प्रशासन ध्यान देता है। जाम का समस्या अलपट्टी चौक से 24 नंबर गुमती तक बराबर बना रहता है। यहाँ रेलगाड़ी भी बराबर रुकता है, यातायात व्यवस्था हमेशा बाधित रहता है। इस पर प्रशासन का नज़र कभी नहीं रहता, आए दिन। आज दिन में भी अलपट्टी चौक से मात्र 100 से 200 फीट की दूरी पर एक ट्रक के द्वारा एक महिला को कुचल दिया गया। ठीक उसके 3 से 4 घंटा के उपरांत रेलवे ट्रैक पर एक महिला को रेलगाड़ी के द्वारा कुचल दिया गया। अब बताइए, इस तरह एक ही मोहल्ला में, एक ही सड़क में दो दो लोगों का हत्या हो जाए यातायात में जाम के कारण, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आखिर ऐसी दुर्घटना घटने का मात्र एक कारण है, इसका कारण है यातायात व्यवस्था यहाँ का सुदृढ़ नहीं है। न शासन इस पे ध्यान देता है न प्रशासन इस पे ध्यान देता है। अगर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रहता तो एक दिन में दो दो लाश नहीं जाता इस मोहल्ला से। अभी जो है 24 नंबर गुमती के लिए तो आरओबी अलॉटमेंट हुआ भी नहीं है, लेकिन जहाँ अलॉटमेंट हुआ वहाँ नहीं बन रहा है श्रीमान। बस जुबान से बोल दिया जा रहा है कि एम्स बन जाता है, ओवर ब्रिज बन जाता है, ये बन जाता है, वो बनता कहाँ है। सिर्फ बोलने से थोड़ी ना होगा, बनाना पड़ेगा इसके लिए। अभी जहाँ अलॉटमेंट हुआ वहाँ तो बना नहीं है। इस गुमती का दुर्दशा तो छोड़ दीजिए, इसका कब अलाउंस होगा, कब बनेगा, ये तो भगवान जाने। हाँ जी सांसद, देखिए सांसद महोदय जो वर्तमान में यहाँ सांसद महोदय है, उनका हारना तय है। इसलिए हारना तय है कि 5 साल वो निकम्मा सांसद यहाँ दरभंगा में रहा, दरभंगा लोकसभा में, लेकिन ना आरओबी बना पाया, ना यातायात का समस्या दूर कर पाया, ना एम्स बना पाया। अब गोपाल जी ठाकुर जी एक बात बताइए, आप जब कोई काम ही नहीं कीजिएगा सिर्फ मोदी जी के नाम पे, फर्जी हिंदू के नाम पे आप चुनाव जीतते रहिएगा तो जनता आपका कब तक साथ देगी। इसलिए जनता इस बार ने ठाना है कि ललित यादव जी को चुनाव जिताना है।